बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 10, वेदर एंड क्लाइमेट, और उसकी आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप खोल लीजिए अपना पेज नंबर 84 और पेज नंबर 85। सब बच्चे अपने अपना ओपन कर लीजिए। अच्छा जी, पेज नंबर 84 पर, पेज नंबर 84 पर हम लोगों को सिर्फ एक ही एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमारे पास गिवन है। सिर्फ एक ही पार्ट नंबर ए है और वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिनके हमारे पास इधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हमने इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जी हमारे पास है, इट कैन चेंज बाय द डे, बाय द आवर एंड इवन बाय द क्लाइमेट। कौन सी चीज़ है जो कि दिनों के लिहाज से, घंटों के लिहाज से और मिनट के, इवन द मिनट्स के लिहाज से भी चेंज हो रही है, तब्दील होती है। हमारे पास वेदर जो मौसम होता है ना, हमारे पास अभी जिस तरह भी हमारे यहाँ बाहर बादल आए हुए हैं, ठीक है, तो अब कुछ देर बाद अगर धूप निकल आए तो गर्मी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मौसम ऐसा होता है ना। तो वेदर जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चेंज, एक ऐसी चीज़ है जिसके जो कि मिनट बाय मिनट या आर बाय आर या फिर डे बाय डे चेंज होती रहती है। नंबर सेकंड, डिफॉरेस्टेशन कॉज एन इंक्रीज इन, जो डिफॉरेस्टेशन है वो किस, डिफॉरेस्टेशन में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। द सडन शेकिंग और ट्रैवलिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस इज, यानी कि जब अचानक से अर्थ जो हमारी ज़मीन है वो कांपना शुरू हो जाती है, शेकिंग यानी कि कांपना शुरू हो जाती है, हिलना, यूं ही हिलना शुरू हो जाती है, वो क्या उसमें वो क्या होता है, वो जलजिला कहलाता है, जिनके एन अर्थक्वेक, जो कि आप लोगों सब बच्चों को पता होगा कि आजकल आ भी रहे होते हैं, जलजले काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं आजकल, तो ठीक है, सडन अटैक्स आते हैं, हमारी जो ज़मीन है वो हिलना शुरू हो जाती है, वो कांपना शुरू हो जाती है। फोर्थ पे आ जाए, व्हेन अ रिवर राइज हाई अबव इट्स सरफेस एंड स्प्रेड आउट ऑन ड्राई लैंड इट इज, यानी कि जब पानी के अंदर जो रिवर के अंदर, जो दरिया के अंदर जो पानी है वो जब अपनी जो उसकी सरफेस की ज़्यादा ऊपर चले जाए और ज़्यादा या उसकी लहरें ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाएँ, वो अपनी सरफेस को क्रॉस कर जाएँ और वो ज़मीन पर आके उस पानी बहना शुरू हो जाए, तो वो फ्लड कहलाता है, यानी कि वो लहरें तेज़ होंगी, बुलंद होंगी, वो अपनी हदूद से बाहर पानी निकलेगा और फिर वो पूरे उस जगह पे फैल जाएगा, वो अपने इर्द गिर्द के इलाकों को तबाह कर देता है। फिर इस पर आ जाएं, मोर देन 80,000 पीपल वर किल्ड इन एन अर्थक्वेक इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान में एक मरतबा ना जलजला आया था और वो इतना शदीद था, इतना सवेर था कि उसमें काफ़ी लोगों के घर तबाह हुए, क्योंकि जलजले में आपने सुना होगा ना, जब जलजला आता है तो इमारत, हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में कि इमारत इतनी तबाह हो गई, इतना उसका इसका इतना रेशो था, इतनी चीज़ों को उसने तबाह किया, या कितने लोग उसके लिपट में आ गए, इन सारी चीज़ों के बारे में न्यूज़ में अक्सर वक्त बताया जाता है। तो जो पाकिस्तान के अंदर सबसे एक मरतबा ना इतना सवेर वाला जलजला आया था कि उसमें 80,000 पीपल की डेथ हो गई थी, वो मर गए थे, और वो कौन से साल में आया था, वो 2005 में जलजला आया था, ठीक है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 85 पर, और पेज नंबर 85 की टॉप के ऊपर हमारे पास बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो पार्ट नंबर वन है, बी पार्ट है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो नंबर वन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट बाय एक्सप्लेनिंग द टर्म। आपने वेदर को और क्लाइमेट में, इन दोनों में डिफरेंस कर लिखना है। तो मैंने आपके सामने डिफरेंस शो कर दिया। डिफरेंस हमेशा दो चीज़ों के दरमियान जब डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उनके बीच में लाइन लगा के एक तरफ इधर और एक तरफ दूसरा वाला इधर की तरफ लिखेंगे। तो और जो दोनों पॉइंट्स हम लोग, ये देखिए, ये एक पॉइंट अगर मैं वेदर का बता रही हूँ तो जो क्लाइमेट के बारे में बता रही हूँ, दोनों का सेम सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं उनका वेदर के बारे में कुछ हम लोग उसको डेफिनेशन बता रही हूँ तो दूसरी तरफ भी मैंने डेफिनेशन ही बताना है, उसके मैंने एडवांटेजेस नहीं बताना है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। वेदर इज द डे टू डे इन्फॉर्मेशन ऑफ द चेंजिंग इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एनी एरिया, और क्लाइमेट का अंदर, क्लाइमेट के अंदर आ जाएगा, क्लाइमेट इज द सेटिस्फेक्टरी वेदर इन्फॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। सेकंड पे आ जाएं, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप, एटलीस्ट हम लोगों ने तीन पॉइंट लिखने हैं तो मैंने आपके सामने तीन पॉइंट शो करूंगी। सेकंड पॉइंट जो शो कर रही हूँ वो देखिए, द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी प्लेस इन इज द वेदर विच मे वेरी बाय टाइम टू टाइम, द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस और कंट्री इज द क्लाइमेट। और जब थर्ड पॉइंट लिखेंगे तो थर्ड पॉइंट मैंने आपके सामने शो कर दिया है, वेदर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर,
प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा. और क्लाइमेट के अंदर लिखेंगे तो क्लाइमेट के अंदर क्या लिखेंगे, द क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट एनी लोकेशन लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, द सनशाइन, विंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट. और यहाँ पर हुआ हमारा ये डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन खत्म. अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेम एनी फाइव फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट चेंज, दैट इफेक्ट द क्लाइमेट. तो आपने कोई से पांच ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो जिसके वजह से हमारे क्लाइमेट में तब्दीली आती है. तो फाइव फैक्टर्स मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, एक सेकंड में सेट कर दूँ. ये लीजिए, द फाइव मेन फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट आर स्टेनिंग एंड डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, एल्टीट्यूड, नियरनेस ऑफ द सी और ओशंस, टोपोग्राफी और ओशन करंट. ठीक है, ये फाइव वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी जगह के लिए क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर, राइट एनी टू प्रिजर्वेटिव मैयर टू स्टे सेफ फ्रॉम द अर्थक्वेक. जब हमारे पास जलजिला आ रहा होता है तो हम लोगों को ऐसे कौन से दो सेफ्टी मैयर्स लेने चाहिए, आपने कोई से भी दो बताने हैं, तो कौन से सेफ्टी मैयर्स लेने चाहिए कि ताकि हम जलजिले की जो लिपट है, जो जलजिले की जो डिस्ट्रक्शन होगी उसमें हम लोग ना आए. तो पेज नंबर 82 पर हमारे पास सेफ्टी मैयर्स की हेडिंग दी हुई है. यहाँ पर लिसन टू अपडेट एंड इंस्ट्रक्शन अबाउट द अर्थक्वेक, यानी कि आप नंबर वन क्या काम करें कि आप ना यूनी कि जलजिला आ रहा है और आप इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं, आप नेट पे ना इंस्ट्रक्शन सुना करें कि किस तरह से आपने अपने आप को बचाव करना है उस जलजिले से. ना आप किसी ना रूफ किस अपने अपने घर की किसी भी ऐसी चुकाठों के नीचे आके खड़े हो जाएं, तो वहाँ पर आप देखिएगा आप लोग बच जाएंगे. ड्रॉप योर डाउन योर सेल्फ ऑन टू द हैंड एंड नीज, कवर योर हैड एंड नेक अंडर द टेबल एंड टेक शेल्टर नियर अ वॉल, होल्ड ऑन टू द शेल्टर अंटिल द शेकिंग स्टॉप. या आप किसी भी कवर्ड सरफेस के नीचे चले जाएं, और अगर आपके कोई आपको ऐसी जगह नहीं मिल रही कि आप कोई ऐसी जगह नहीं है आपके घर में जिसके नीचे आप छुप सकें, क्योंकि देखिए जब ज़मीन के ऊपर जलजला आता है ना तो घर जो है ना वो हमारा इस तरह से हमेशा गिरता है, इस डायरेक्शन में. ठीक है, इस तरह से होकर गिरेगा या इस तरह से होकर गिरेगा. तो लेकिन जो हमारी जो टेबल्स वगैरह होंगी उस वो हमारे हमने अपने सर को बचाना है, क्योंकि हमारा जो हेड है ना ये बहुत सेंसिटिव है. ठीक है, और अगर इस या अपने हेड, नेक, इन अपनी बॉडी पार्ट्स को बचा के रखना है, कोई बात नहीं, एक दो लकीर आ जाती है, एक दो थोड़ी सी चोट आ जाती है, कुछ नहीं होता. लेकिन अपने जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं जैसे हमारा गला है या हमारा हेड है, इनको बचा के रखना है हमें. ठीक है, प्रिपेयर अ फर्स्ट एड किट विच इंक्लूड बॉटल वाटर, कैंड फूड, प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स एंड सम मेडिसिन एंड बैंडेज. और जब आप जलजिला देखेंगे अभी तो, क्योंकि देखिए डायरेक्ट यूं यूं नहीं आते हैं जलजिला, आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके. ठीक है, और देखेंगे आपके जिन हमारे जो पंखे होते हैं ना वो हिलना शुरू हो जाते हैं. मैंने हमारे घर में जब भी आता ना जलजिला, आप तो काफ़ी ज़्यादा जलजिले आ रहे हैं आजकल, तो हमारे यहाँ जब भी जलजिला आता है ना तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पंखों के ऊपर, देखते हैं कि पंखे हिल रहे हैं. अगर पंखे हिल रहे होते हैं ना तो समझो पक्का जलजिला आ रहा है. ठीक है, और अब आप लोग अपने पंखे देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा पंखे हिल रहे हैं. सेम सिचुएशन मेरे साथ भी होती है, मैं उससे कह रही थी मम्मा जलजिला आ रहा है, मम्मा कहती है नहीं आ रहा. और अभी पिछले दिनों भी आया था, आज से कोई हफ्ता पहले आया था, सुबह फजर के वक्त आया था, जो कि हम लोगों को नहीं पता चले था. और क्योंकि काफ़ी स्लो था ना वो, उसकी शेकिंग काफ़ी स्लो थी, उसकी स्पीड काफ़ी स्लो थी जलजिले की ना. और स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि जलजिला अगर तेज़ स्पीड से आ रहा है तो फिर ज़्यादा जल्दी बात है ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होंगी. हाउ कैन यू बी सेफ फ्रॉम फ्लड्स. अब हम लोग अभी तक तो जलजिले की बातें कर रहे थे, अब जब हमारे पास तूफान आता है, फ्लड आता है, तो फिर हम लोगों को किस तरह से अपने आप को बचाव करना चाहिए. राइट एनी टू प्रिवेंटिव मैयर, आपने कोई से दो मैयर ऐसे लिखनी है, तो ये चार मैयर्स हैं इनमें से कोई से दो लिखनी है. मेंटेन रिवर बैंक्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स एंड चेक देम फ्रिक्वेंटली. एक तो नंबर वन हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ये आते हैं, तूफान आता है और फिर हमारे यहाँ हर मरतबा ही तबाही होती है. तो आप जब पता है कि बारिशों का जब सिलसिला शुरू होता है तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो जो लिमिटेशंस हैं, जो सरफेस है, जो रिवर बैंक्स हैं उनकी, उनको चेक रखें कि आया उनके अंदर जो अगर पानी का बहुत तेज़ हो रहा है तो हम लोग जो उनकी जो रुकावटें हैं उनको और मजबूत रखें. बिल्ड ह्यूमन सेटलमेंट अवे फ्रॉम द रिवर, और जो इंसानी आबादी है वो दरियाओं से दूर रखें. ठीक है, ताकि दरिया का अगर फ्लड आ भी जाए तो आबादी के अंदर ना जा सके पानी वो. लिसन टू न्यूज़ फॉर अपडेट अबाउट फ्लड्स एंड गेट प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द टाइम. और अपने ये जो बारिशों का महीना होता है ना उसके अंदर ना न्यूज़ सुनते रहा करें. अगर आप देखते हैं ना कि किसी भी आपके इर्द गिर्द के इलाके में सैलाब आया हुआ है,
तो आप लोग भी अपने आप को ज़हनी और दिमागी तौर पर और हर तरह की तौर से अपने आप को तैयार रखें कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो हम लोगों ने किस तरह से उसको टैकल करना है. स्टे आउट ऑफ वाटर इन द फ्लड वाटर एरिया, इट कैन कॉज डिजीजेस. और जब अगर सैलाब आ भी गया है तो उस पानी से दूर रहें, उस जगह पर ना जाएं जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं. अच्छा जी, तो फिर आ जाते हैं फिफ्थ पर, लिस्ट फाइव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के फाइव इम्पैक्ट्स हैं ये: इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ड्राउट, बैड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, वाइल्ड फायर्स और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ठीक है. अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं हम लोग सी पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. आपने इन क्वेश्चंस को बहुत तवील, बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा और काफ़ी एक्सप्लेन करके आप लोगों ने इनको बताना है. नंबर वन है, हाउ डू एल्टीट्यूड एंड टोपोग्राफी अफेक्ट द क्लाइमेट, एक्सप्लेन. तो एल्टीट्यूड और टोपोग्राफी, सबसे पहले आप लोगों ने ये जो एल्टीट्यूड जो है ना, ये जो एल्टीट्यूड की हेडिंग दी हुई है पेज नंबर 79 पर, एल्टीट्यूड वाला ये वाला पूरा पैराग्राफ लिखना है. ठीक है. उसके बाद फिर एल्टीट्यूड वाला पैराग्राफ लिखने के बाद फिर आपने हेडिंग देना टोपोग्राफी की. पहले आपने एल्टीट्यूड की हेडिंग देनी है, एल्टीट्यूड वाला पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद आपने टोपोग्राफी की हेडिंग देकर टोपोग्राफी वाला पूरा पैराग्राफ लिख देना है, और ये हमारे पास एक्सप्लेन हो जाएगा. हो सके तो ये वाली डायग्राम भी बना दीजिएगा. ठीक है. सेकेंड पे आ जाए, व्हाट एक्शन कैन यू टेक टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. हमें कौन कौन से ऐसी काम करने चाहिए ताकि हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात हैं वो कम कर सकें. ठीक है. तो ये हमारे पास ये है पेज नंबर 81, थिंग्स आई कैन डू. ये यहाँ से स्टार्ट करें, वॉक और यूज अ बाइसाइकिल इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्स बिकॉज देयर स्मोक रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. सेव द एग्जिस्टिंग ट्रीज एंड प्लांट्स मोर ट्रीज. अब बाकी का यहाँ पर है, कीप द एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन. और कोल, गैस एंड ऑयल आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सेव इलेक्ट्रिसिटी टू स्विच ऑफ फैंस, टीवीज, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड अदर अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज. तो ये लॉन्ग सेकंड का लॉन्ग का आंसर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरे आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.